नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। 1 जून से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। 1 महीने से ज़्यादा के अंतराल में हमने लॉकडाउन में गुजारा, घर के अंदर रहे। 1 जून से सरकार ने कुछ छूट देने का निर्णय लिया है। आज क्राइसिस कमेटी की मीटिंग हुई कलेक्ट्रेट परिसर में। मीटिंग के बाद स्थानीय प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने पत्रकारों को जानकारी दिया क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। उसमें से कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताता हूँ। एक अनोखा निर्णय, जी हाँ, अनोखा निर्णय कहा जाएगा। एक दिन लेफ्ट हैंड की दुकान खुलेगी तो दूसरे दिन राइट हैंड की दुकान खुलेगी। यह भी व्यापारी को तय करना है किस तरीके से वो दुकानें खुलेंगी। शादी बारात में 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। 20 से ज़्यादा लोग शादी बारात में शामिल नहीं होंगे। अंतिम कार्यक्रम जैसे अंतिम संस्कार 13वीं में 10 से ज़्यादा लोग अब शामिल नहीं हो सकते। ऑटो में 2 लोगों से ज़्यादा बैठाने की अनुमति नहीं होगी। बसें 50% क्षमता से ही चलेंगी। सब्जी मंडी, अभी शहर की सब्जी मंडी बंद ही रहेगी, करहिया सब्जी मंडी में ही सब्जी मिलेगी। कहा जा सकता है लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से निर्णय है, एक निर्णय काफ़ी चौंकाने वाला है। जिस तरीके से दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है, एक दिन लेफ्ट हैंड की दुकान, दूसरे दिन राइट हैंड की दुकान, वह भी कुछ कहा नहीं जा सकता किस तरीके से, उसको व्यापारी को तय करना। प्रशासन अब कह रहा है कि इसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं है, क्योंकि मंत्री ने कहा इसलिए माना जाएगा। ये बात सीधी तौर से प्रशासन की। आइए आपको सुनाता हूँ, प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से क्राइसिस कमेटी की बैठक के बाद क्या कुछ कहा। रीवा शहर को, पूरे ग्रामीण अंचल को अनलॉक किया जा रहा है। जो यहाँ लोकल सोशल इशू थे, उस हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठन के लोगों से, व्यापारियों से चर्चा करके जो उनकी मांग थी उसको पूर्ण करके अनलॉक किया जा रहा है। सर, क्या सब्जी मंडी हो चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम, क्या क्या निर्णय लिए गए, कैसे सब्जी में दोनों पक्षों में है ना, लड़की पक्ष लड़का पक्ष दोनों को मिला के 20 लोग रहेंगे। उसको थाने में सूचना देनी पड़ेगी कौन हमारे 10-10 लोग रहेंगे, उसके अनुसार से उनको अनुमति मिल जाएगी। इसी तरह 13वीं में 10 लोग रहेंगे, संस्कार में 10 लोग रहेंगे, और जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार। बाज़ार खुलने के लिए क्या नया पहल? बाज़ार 50% खुलेगा है ना, उसमें व्यापारी लोग तय कर लेंगे। अभी तय हुआ है कि एक दिन लेफ्ट साइड एक दिन राइट साइड, जैसा व्यापारी तय करेंगे उस तरह से मार्केट खुला है। सर, यात्री बस वगैरह के लिए क्या नहीं? पूरे पूर्व से गाइडलाइन है कि यात्री बसों में कोविड-19 के नियम 50% लोग, अगर 50 सीटर है तो 25 लोग जाएंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ऐसे में बसें चलती रहेंगी। सर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारी है शासन? कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला के कलेक्टरों को, वहाँ के CHMO को, वहाँ मेडिकल कॉलेज के डीन लोगों को निर्देश दिया है। उसकी पूरी तैयारी हर जगह, हर ज़िले में 50-50 बेड बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अभी गाइडलाइन बनाई है ना, उसका पालन होगा तो तीसरी लहर आएगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।